उन्होंने बुलाया यार, तो फिर जाना तो पड़ेगा ही ना। दोस्तों ये देखिए आप, ये स्पेशली करवाई हुई है। अब देखो आप, ये किचन लग रही है और यहाँ पे वो है जो क्या कहते हैं उसे, क्लोज़ेट। बस यहाँ पे ये लाइटनिंग है ताकि रात को नेटफ्लिक्स देखें तो काफी अच्छा लगे। और ये बिल्कुल बेसमेंट, यहाँ पे ये कार वार खड़ी होती है। दूर से देखिए आप एक बार, ये देखो RGB लाइटनिंग। भाई ये तो यूट्यूब वाली वीडियो नहीं हुई है यार, मजा नहीं आया। अगर भी यूट्यूब पे वीडियो भी डालनी है तो ये ऐसे शॉट मार रहे हैं। मार 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 मार, वीडियो चल रही मार। अरे वाह। अरे यार यहाँ पे बॉल मेरे को थोड़ी कम लग रही है, यहाँ चेस्ट वेस्ट लगा लो। यार ये नेट ही खराब होया हुआ है तो यहाँ पे क्या ही खेल सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल एंट्री मारते ही, दोस्तों स्वागत है यार आपका नए व्लॉग में। अभी यार मैं जा रहा हूँ स्क्वैश खेलने। यहाँ तो एक ही जना खेल रहा है, पता नहीं जाऊँ या ना जाऊँ सोच रहा हूँ। भैया मैं भी खेल लूँ थोड़ी देर। अच्छा अभी ये रास्ता कहाँ से है यहाँ? यार ये नेट ही खराब होया हुआ है तो यहाँ पे क्या ही खेल सकते हैं। नेट अगर थोड़ा भी ठीक होता तो खेल के मजा आ जाता है इसमें, पर नेट खराब होया हुआ है यहाँ पे। और मेरे को लग रहा है बॉल भी नहीं है शायद, रैकेट रैकेट ही पड़ा है यहाँ पे, बॉल भी नहीं दिख। वो सामने जिम है, जिम देखते हैं कैसा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ से शुरू है, इधर वो है ट्रेडमिल और ये बड़ी वाली साइकिल। यहाँ पे पूरा AC वैसे लगाया हुआ है, पूरा ठंडा भरा हुआ है। यहाँ चेस्ट वेस्ट लगा लो, पूरी उसकी स्मेल सी उठ रखी है यहाँ पे। जो इसके डंबल्स होते हैं ना, रबड़ होती है इसके ऊपर, जो रबड़ चलती चढ़ती है डंबल्स के ऊपर, और इन मशीनों की स्मेल वो पूरी आ रखी है, काफ़ी अजीब सी होती है जो एक्चुअल जिम में आती है, वैसे सी स्मेल आ रखी है यहाँ पे। सही है काफ़ी जिम भी, पर हमको तो स्क्वैश खेलना है तो स्क्वैश देखते हैं कहाँ पे है। इसमें है शायद, ये तो दिखाना ही भूल गया आपको मैं। इसको पूल कहते हैं या स्नूकर स्नीकर कहते हैं, क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा। अरे यार यहाँ पे बॉल मेरे को थोड़ी कम लग रही है, ऐसे शायद ज़्यादा बॉल होती हैं। अच्छा ये रही, ये नीचे है बॉल। अच्छा ठीक है, और ये शायद स्कोर बोर्ड है या पता नहीं क्या है। भाई ये तो YouTube वाली वीडियो नहीं हुई है यार, मज़ा नहीं आया। अगर भी YouTube पे वीडियो भी डालनी है तो ये ऐसे शॉट मार रहे हैं। अरे वाह, कहाँ गई भाई बॉल? मार 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 मार, वीडियो चल रही मार। अरे वाह, आ गया तेरा शॉट यार। स्क्वैश तो खेल लिया अब हमने, अब सोच रहा हूँ यार थोड़ा टेबल टेनिस भी खेल लूँ, पर उसके लिए एक बंदा चाहिए और एक जना ढूंढ के ला रहा हूँ। दोस्तों भी बज रहे हैं सुबह के 4 और यार मैंने अपनी पूरी वीडियो एडिट कर ली है, 4:21 हो गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ सोने, यहाँ मैं बैठा हुआ था एकदम शांति भरी जगह पे, अपनी बोतल उठा लेता हूँ कहीं फिर यहाँ में बैठ। यार आज तो जाके ही रहूँगा, आज इतने दिन हो गए रोज कहता हूँ कि मॉल जाऊँगा घूमने, इधर जाऊँगा लॉन टेनिस खेलूँगा, कुछ भी नहीं किया, बस कह ही जा रहा हूँ खेलूँगा। यार आज तो खेल के ही रहूँगा यार, आज तो या तो लॉन टेनिस खेलूँगा आज, या तो आज फिर कहीं ना कहीं जाके ही रहूँगा। और अब चलते हैं यहाँ से सबसे पहले लंच करने, तो पहले लंच कर लेते क्योंकि यार आज सुबह मैं काफ़ी लेट उठा, फिर ब्रेकफास्ट मेरा मिस हो गया, तो फिर अब सीधा लंच करने जा रहा हूँ। मतलब इसे वैसे तो ब्रंच कहते हैं, तो आज सीधा ब्रंच करने जा रहा हूँ, थोड़ा फैंसी वर्ड लग रहा है ब्रंच टाइप करके। फिर ब्रंच करके फिर उसके बाद चलते हैं बाहर घूमने फिरने, देखते हैं थोड़ी गर्मी कम हो जाए क्योंकि बाहर यहाँ गुड़गांव में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। ये देखिए पूरी चुभती तड़पती गर्मी, इतनी ज़्यादा है बाहर। थोड़ी गर्मी कम हो जाए या फिर थोड़ा मौसम ठीक हो जाए तो फिर साथ के साथ ही चल लेंगे। यार कल फंस गया था लिफ्ट के अंदर, कोई घर वाला काम है वैसे, क्योंकि ये पंखा भी बंद हो जाता है ये जो चल रहा है। मैंने खाना वाना
खा लिया है और अब यार यहाँ बैठा हूँ थोड़ी देर, यहाँ पे अपना थंबनेल ढूंढ रहा हूँ कौन सा थंबनेल लगाऊं, कौन सा थंबनेल बढ़िया लगेगा। काफी ज्यादा शांति है यहाँ पे, कोई भी नहीं है मेरे अलावा। दोस्तों मैंने बना लिया थंबनेल और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या थंबनेल बनाया है। ये देखो आप, ये बनाया मैंने थंबनेल। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो यार ये वाली वीडियो जरूर देखो यार, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको ये वीडियो देखने में। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से, पहुंच गए। ये देखो बीच में से दिख रहा होगा थोड़ा सा, इसका मतलब है पहुंच गया। मेरा तैयार व्यार हो जाता हूँ थोड़ा सा, शूज वूज पहन लेता हूँ ताकि बाहर चला जाऊँ, नहीं तो मैं तो चाहूँ चप्पल में भी चला जाऊँ। तो मैं हो गया हूँ अभी एकदम रेडी और अब नीचे जा रहा हूँ जाने के लिए बाहर कहीं ना कहीं घूमने के लिए। यार ये जो है ना रुमाल, इसको यहाँ पे मास्क की तरह यूज़ करता हूँ, ऐसे ऊपर करके ढक लेता हूँ। पर यहाँ पे गुड़गांव में कई जगहों में ये यूज़ नहीं हो रहा, मतलब वैलिड नहीं माना जा रहा वहाँ पे। वो कह रहे हैं ये यूज़ नहीं होगा मास्क की तरह, तो आपको एक्चुअल में मास्क ही लेना पड़ेगा। तो मैंने एक अलग से मास्क रख लिया है यहाँ पे ताकि कहीं दिक्कत आ जाए तो फिर मैं वहाँ जा सकूँ। पहले किसी के घर हो आता हूँ, उन्होंने बुलाया यार तो फिर जाना तो पड़ेगा ही ना, तो उनके घर हो आता हूँ फिर उसके बाद मॉल चलेंगे। क्योंकि मैंने सुना है यहाँ एमबीएस मॉल इंडिया का लार्जेस्ट मॉल है, तो देखना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि जब आए हैं तो फिर देख के तो जाएंगे ना, ऐसे भी ना देखे नहीं जा सकते ना। यार अभी हमने ऊबर ऑटो बुक करा है और वो आने लगा है, 2 मिनट के अंदर उधर आ जाता है यहाँ पे। तो ये ऑटो वोटो काफी सही चीज है इधर की। दोस्तों इतना भी गूगल मैप्स पे हमको भरोसा नहीं करना चाहिए, हमने जाना कहीं और था, एड्रेस ये कहीं और का बता दिया इसने, जबकि ये वो ही शो कर रहा था कि यही है वो जगह जहाँ पे हमने जाना है, पर जब वहाँ पे पहुंचे वो कोई और थी भाई। अब पूछा है किसी से तो अब जा रहे हैं एग्जैक्ट लोकेशन पे। दोस्तों फाइनली पहुंच गया हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से आया हूँ क्योंकि गूगल मैप ने भी गलत रास्ता बता दिया मेरे को। इधर सामने ही पार्क है, हम घर पहुंच गए हैं फाइनली। तो अब हम यहाँ पे खाने पीने आए हैं और फिर खा के चले जाएंगे। दोस्तों आ गए अपना खाने पीने का सामान और अब हम सारा खा जाएंगे। आ गए हमारे छोले, ये मिठाई, ये समोसे, ये ड्राई फ्रूट और अभी जूस पिया जा रहा है। अभी हम सब निपटाने में लगे हुए हैं, काफी मेहनत लग रही है निपटाने में, तो हम धीरे धीरे निपटाएंगे सब कुछ। तो रेडी हो गए हमारे छोले समोसे, देखो कितने मस्त लग रहे हैं देखने में। दोस्तों खाली पार्क, दोस्तों यहाँ पे आते हैं रात को लोग सैर वैर करने, तो अगर आप भी आ सकते हो, अगर आप यहाँ पे रहते हो या आना चाहो तो यार अब घर से निकल लिया हमने, सब कुछ लपेट लिया, खाना पीना सब कुछ खाली कर दिया उनका और अब हम जा रहे हैं कहीं और। दोस्तों ये हमारे नोन का घर है, ये अभी बन रहा है, ये किचन लग रही है, ये किचन है और यहाँ से नीचे का। दोस्तों ये देखिए आप, ये स्पेशली करवाई हुई है, अब देखो आप, और साथ में यहाँ पे कुछ भी सामान वामान ऐसे रख सकते हैं तो ये और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये कमरा है और यहाँ पे वो है जो क्या कहते हैं उसे क्लोज़ेट, और ये वॉशरूम, ये वॉशरूम और यहाँ पे आने का, यहाँ पे भी वही बाहर वाली ही वो है ऊपर जो फिनिशिंग है, ये क्या कहते हैं इसको जो ऊपर होती है, बस वही वो अंदर भी सेम है और यहाँ पे देखो बाहर भी सेम है। लाइट जला देता हूँ यार, लाइट बंद कर दी मैंने सारी। अब जैसे यहाँ से देखिए तो ये काफ़ी बढ़िया लग रही है ना, साथ में यहाँ पे वो है अपनी वो फोटो वोटो सजानी हो तो यहाँ पे आप फोटो सजा सकते हो। यहाँ से बिल्कुल एंट्री मारते ही ऐसे आता है, देखो अब देखिए कितना मस्त लग रहा है। अभी तो ये बन रहा है, अभी थोड़े दिन में जाके ये कंप्लीट होएगा पूरा। मैं ये मेरे को लग रहा है गेस्ट का है क्योंकि तभी बाहर बनाया ना ताकि गेस्ट इसमें आ सके। और यहाँ पे एक कमरा ये है, ये इधर अभी सामान पड़ा है और ऊपर से भी यहाँ भी बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे मेरे को लग रहा है यहाँ पे टीवी लगेगा और ऊपर एसी, और बस यहाँ पे इधर शीशे में मेरी रिफ्लेक्शन आ रही है, और साथ में यहाँ पे ये अपना आ गया टॉयलेट। तो ये 3 टॉयलेट हो गए, लॉक है ये वाला टॉयलेट।
कि जो इस कमरे में रुकेगा उसका टॉयलेट यहाँ पे, जो उस कमरे में रुकेगा उसका टॉयलेट वहाँ पे, और जो एक वहाँ पे है वो गेस्ट के लिए है टॉयलेट। बस यहाँ पे ये लाइटनिंग है ताकि रात को नेटफ्लिक्स देखें तो काफ़ी अच्छा लगे, तो वो लाइटनिंग है। बस इतना ही था रूम टूर नहीं, हाउस टूर, न्यू हाउस टूर। दोस्तों यहाँ से अब नीचे सीढ़ियाँ हैं, नीचे जाने का रास्ता है, अब नीचे चलते हैं। और ये है बिल्कुल बेसमेंट, यहाँ पे ये कार वार खड़ी होती है, ये नीचे पूरी बेसमेंट है, यहाँ पे कार वार खड़ी करने के लिए मतलब पार्किंग टाइप है वो है। अभी ये अभी बन रहा है, वैसे कार तो अभी भी खड़ी हो सकती है यहाँ पे, पर अभी बन रहा है तो इसलिए अभी तो नहीं करेंगे। बस दूर से देखिए आप एक बार, अभी पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, 10-15 दिन, 1 महीना जितना भी टाइम लगेगा तब जाके पूरा रेडी होएगा। ये देखो RGB लाइटनिंग, एकदम मस्त लाइटनिंग लगा रखी है, और जबकि ये है कुछ और, ऐसा लग रहा है गेमिंग वोमिंग वाले जो होते नहीं जो लाइट्स लेके घूमते हैं ऐसे, वैसा सा लग रहा है। दोस्तों आपको बाहर से दिखाता हूँ, अभी थोड़े दिन लगेंगे पूरा कम्प्लीट होने में, जब पूरा कम्प्लीट हो जाएगा फिर और ज्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों अभी फिर से ऊबर बुक करी है यार, यहाँ पे इसका कन्वीनियंस काफी अच्छा है कि ऊबर ओला बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। दोस्तों अभी ऑटो मिल गया ऊबर वाला, और हमें भाई जो ऑटो वाले भैया मिले हैं उनकी ऊबर पे 1300 लोगों ने रेटिंग करी है और 4.9 स्टार दिए हैं। तो यार इतनी ज्यादा रेटिंग मेंटेन करके रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ऑटो भी ज्यादा शोर नहीं कर रहा इनका, वैसे क्या ऑटो बहुत शोर करते हैं, गड़गड़ 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 आवाज आती है, तो यार इन्होंने अपनी साइड से पूरा अच्छा करा हुआ है तभी इतनी ज्यादा रेटिंग है। उसकी ले रहा था लाइट चली गई यार। यहाँ पे अभी ऑटो से पहुंच गया हूँ, आपको दिखाता हूँ भैया जी का ऑटो, देखिए आप। यहाँ पे भैया ने पूरा अपना सेटअप करा हुआ है, यहाँ पे भैया ने पूरा चार्जिंग वार्जिंग लगाई हुई है, देख लो एकदम पूरा क्लीन ऑटो है, और पीछे पूरी सीट कवर लगाए हुए हैं भैया ने पूरा बढ़िया। चलो ठीक है भैया, बाय बाय। दोस्तों पहुंच गया हूँ फाइनली अपनी जगह पे। दोस्तों कल मैं मिला प्रदीप सिंह मलिक, IAS हैं, जो वो UPSC रैंक 1 थे 2019 बैच से, और मेरे को पता ही नहीं लगा कि ये वो हैं। उन्होंने बिल्कुल भी शो ही नहीं करा कि ये UPSC रैंक 1 है या ऐसा कुछ है, वो मेरे से ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि उनको कुछ पता ही ना हो। वो कह रहे थे कि अच्छा ये क्या होता है, अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा फिर ऐसे होता है, वो मेरे को कह रहे थे, मतलब वो मेरे मजे ले रहे थे। वो कह रहे थे अच्छा कंप्यूटर में ऐसे होता है, अच्छा उसमें ऐसे करते हैं, तो फिर ऐसे करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो वो ऐसे ही पूरा मेरे से मजे ले रहे थे। यहाँ पे जो सीट होती है ना उसके ऊपर टेबल के ऊपर लिखा हुआ है रिजर्व्ड, वहाँ पे वो बैठे आगे, तो मैंने उनको कह दिया यार भैया आप यहाँ कैसे बैठ गए, ये तो रिजर्व लोगों की सीट है। तो फिर वो कहते हैं यार मैं तो ऐसे कहीं पे भी बैठ जाता हूँ चलता फिरता। फिर उसके बाद जब वो बाहर आए खाना वाना खा के, जो लोग हैं ना बाहर जो बैठते हैं वो खड़े हो गए यार। फिर मैंने बाद में उनसे जाके पूछा जो खड़े हुए थे, मैंने कहा कौन है ये, तो वो कह रहे थे कि ये IAS है। गूगल पर प्रदीप सिंह ऐसे करके पूरा सर्च करा तो प्रदीप सिंह मलिक आए, तो IAS और इनकी UPSC रैंक 1 है 2019 बैच। तो यार देख लो UPSC रैंक 1 तो मतलब कोई नेक्स्ट लेवल ही। दोस्तों इनको 6 बंदे तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए मिले हुए हैं कि इनके आसपास कोई ना आए, और साथ में 2 जने इनको वो मिले हुए हैं रूम वाले कि इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। यार ये इतने बड़े बंदे हैं, ये मेरे को जाके बाद में पता लगा, और मैं पहले इनको ऐसे कर ही जा रहा था भैया भैया इधर आओ भैया मेरी वीडियो बना दो। जो ये मेरी खेलने वाली वीडियो बनी थी ना जो आपने देखी होगी, मैं इसमें स्क्वैश खेल रहा था, उसके अंदर जो पीछे कमेंट्री हो रही है, फोन भी उन्होंने पकड़ा हुआ है और कमेंट्री भी वही कर रहे हैं। तो यार मैं उनको ऐसे ऐसे कर ही जा रहा था भैया इधर आओ भैया यहाँ टेबल टेनिस खेल लो, भैया ये खेल लो वो खेल लो, बिल्कुल भी उन्होंने हल्की सी भी फील नहीं आने दी अपनी साइड से। इनकी साइड से सिर्फ वैसे था कि इनको कुछ नहीं पता, ये ऐसा मेरे साथ बात कर रहे थे, और मैं इनको सब कुछ एक्सप्लेन कर ही जा रहा था जितना जितना मेरे को पता है कि वहाँ ऐसे होता है वो चीज़ ऐसे होती है। मैं इनसे 1.5-2 घंटे मैं इनसे मिला, इनके साथ खेला नीचे और पूरा बात बात करी, जिम में भी इनके साथ था और रात को खाना वाना भी इनके साथ खाया, इनके साथ ही नीचे ठहला वहला, और मेरे को पता ही नहीं लगा ये कौन है कौन नहीं। और इन्होंने मेरे से सब कुछ जान लिया कि मसूरी ऐसा होता है, मसूरी के स्कूल ऐसे होते हैं, अच्छा वहाँ ये होता है वो होता है। हैरानी की बात यह है कि इनकी खुद की शिफ्टिंग ही मसूरी हुई है, और ये मेरे से ऐसे से पूछ रहे थे कि ये ऐसे होता है वैसे होता है। तो यार अभी हम मेरे को फिर से ये मिलेंगे तो यार मैं आपको भी जरूर मिलाऊंगा इनके साथ, पर अभी आज मैं आया हूँ तो अभी ये बाहर गए हैं कहीं पे, नहीं तो इन्होंने मेरे को कहा था कि आज आ जाना 8:30 बजे हम फिर से आज भी फिर से खेलेंगे। तो यार फिर अब पता नहीं, अब मैं आया हूँ तो अभी ये है नहीं, ये बाहर गए हुए हैं, तो अभी तो मैं चलो खाना खा लेता हूँ। दोस्तों आज देखिए डिनर में क्या है, ये हलवा शायद हलवा लग रहा है, और ये है चाप चापे, ये घिया होगा शायद, और ये अपने राजमा,
साथ में चावल और ये पकौड़े वाला रहता, अचार, सलाद, चम्मच, नैपकिन, प्लेट।